देखिए, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में हमने लास्ट क्लास में किया था आई बॉल आईज का स्ट्रक्चर, राइट? तो आई के स्ट्रक्चर में हमने एक चीज देखी थी, देयर इज अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना जिसपे इमेज बनती है, राइट? तो इमेज रेटिना पे बनती है और वो कौन से लेंस से बनती है? क्रिस्टलाइन लेंस से. अभी क्रिस्टलाइन लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस, तो वो रियल इमेजेस ही बनाता है, ठीक है? और इस रियल इमेज, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, किस पे है? इंफिनिटी पे आने, वो बहुत दूर है, और इंफिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, यस और नो? तो ये इमेज हमारी रेटिना पे बननी चाहिए, शार्प इमेज. दैट मीन्स हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे स्मॉलर इमेज बननी चाहिए, राइट? पर ड्यू टू सम रीजंस, लाइक मायोपिया के रीजंस लिखते हैं, टॉपिक लिखे मायोपिया. कॉजेस क्या है इसके? फर्स्ट, एनलार्जमेंट ऑफ द आईबॉल. एनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल, आईबॉल की लेंथ अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? जो हमारी लाइट रेज है कन्वेक्स लेंस से पास होगी और वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना पे जाने से पहले ही. तो रेटिना से पे जाने से पहले ही अगर कोई लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे हम? मायोपिया. क्योंकि देखो, पॉइंट बीइंग दिस, साइज बढ़ने से ही, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा और बेटर हो सकता था. साइज बढ़ने से ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे यहाँ पे कन्वर्ज इतना साइज वो होना चाहिए था आई बॉल का, बट ये साइज जो है एनलार्ज हो गया. इसकी वजह से रेटिना तो आगे पीछे चला गया पर कर्वेचर ऑफ लेंस उतना ही है. तो इस केस में क्या हुआ, वो फोकस इमेज बनी या नहीं बनी? नहीं बनी. ये वाली बात समझ में? तो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ मायोपिया इज द एनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल. इससे हम दूर की चीज नहीं देख पाते. तो दूर की चीज को सही करना है अगर हमें, तो हम इसके लिए कंकेव लेंस लगाते हैं. क्या लगाते हैं? कंकेव लेंस. ये डायग्राम हमने बनाए थे लास्ट क्लास में. तो कंकेव लेंस लगाने से क्या होगा करिश्मा? मैं रिपीट कर रहा हूँ, और एड्रियन तुम भी नहीं थे. तो देखो, ये एक कंकेव लेंस हमारी लाइट रेज को पहले डाइवर्ज कर देगा. क्या कर देगा? डाइवर्ज. तो लाइट रेज को हमारा कर देगा डाइवर्ज. थोड़ा सा डाइवर्ज किया, और जब डाइवर्ज करके अब फिर कन्वर्ज करेंगे तो इट विल मीट एट द सेम पॉइंट, यस और नो? तो ये यहाँ पे वापस से रीच कर जाएगा. डाइवर्ज हुआ, मेरे डायग्राम में नहीं हुआ पर वैसे तो हुआ, ठीक है? डाइवर्ज होके फिर कन्वर्ज होगा तो वापस सेम पॉइंट पे आ जाए. एक और कॉज हो सकता है मायोपिया का, वो क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस. आई लेंस का कर्वेचर और सीलियरी मसल्स की वजह से भी हो सकता है कि सीलियरी मसल्स उसको फोकस नहीं कर पा रहे. तो ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? तो मायोपिया पहले दूर, बचपन में छोटी विजन जो होती है हमारी, दूर की विजन जाती है ना, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी पास की विजन भी कमजोर हो जाती है. क्यों? क्योंकि इन चाइल्डहुड जो है हमारी सीलियरी मसल्स जो है वो फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे यूजुअली काम क्या होता है? टीवी देखना और फोन देखना और ये सब चीज़ों से. उसके अलावा जो कर्वेचर ऑफ लेंस है वो, और आई लेंस पढ़ना, अच्छा वो नहीं सुना मैंने. अच्छा, तो जो पॉइंट इज दिस, इसके रीजंस जो हैं वो होंगे, मुझे एक्चुअली में एग्जैक्टली नहीं मैंने याद किए कि क्या रीज़न है, मैं देख के बताऊंगा तुझे. वैसे मेरे हिसाब से होगा कि जो हम जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आई लेंस का वो भी बढ़ेगा ना साइज, तो हो सकता है उसमें फोकसिंग में प्रॉब्लम मायोपिया में आ जाती हो. श्रिंक नहीं हो रहा ना आई बॉल, एनलार्ज हो रहा है, तो कौन से ज़्यादा को होने के चांसेस है जिसमें मायोपिया के केसेस ज़्यादा है? क्योंकि हमारी एज जैसे बढ़ती है फिर वो स्टेबल हो जाता है, बोलते हैं ना नंबर थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है? स्टेबल. तो बचपन में अगर ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा होगा. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, मायोपिया को करेक्शन कैसे होगा? करेक्शन ऑफ मायोपिया कैन बी डन यूजिंग अ कंकेव लेंस. अच्छा, कर्वेचर अगर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ पास हो जाएगी ना. जैसे ये कर्वेचर ये है,
कर्वेचर इसका ज्यादा है, इसका कर्वेचर कम है। किसका कर्वेचर ज्यादा है? इसका कर्वेचर ज्यादा है, पर सी की बात नहीं हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात नहीं हो रही। एक्सेसिव कर्वेचर, कर्वेचर तो इसका कम है, सी इसका कर्वेचर ज्यादा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक सेकेंड इसको मैं करेक्ट करता हूँ, एक बार देखूँ तुम्हारे पास बुक है एनसीईआरटी, कल सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात अलग है जरा। सी कॉजेज क्या लिखे हैं? हाँ एक्सेसिव कर्वेचर ही लिखा है, तो वो कर्वेचर का मतलब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लें, हम यहाँ पर थिकनेस को लें। किसको लें? थिकनेस। तो थिकनेस का मतलब अगर जितनी थिकनेस होगा उतना पास उसका फोकल लेंथ हो जाएगा, तो फोकल लेंथ पास हो जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। और फोकल लेंथ पहले बनेगी तो वो मायोपिया होता है, पीछे बनती है इमेज तो वो हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अभी तक बस मायोपिया कराया था मैंने, मायोपिया समझ आया करिश्मा? डन है एवरीवन? तो इसके करेक्शन कैसे? यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, और कौन सी सूटेबल पावर का यूज करना है उसके ऊपर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आता है। नेक्स्ट करें हाइपरमेट्रोपिया, नेक्स्ट सेकेंड इज, एक सेकेंड तू घर से भी बोलने लग गया है, इंसान करे तो करे क्या? चल हो गया डन, अब मैं नहीं सुन रहा। हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया इज कॉल्ड डिस्टेंट विजन या नियर विजन? नियर साइटेडनेस है ना, फार साइटेड, दूर का तो दिख रहा है, पार का नहीं दिख रहा, फार साइटेडनेस उल्टा होता है। रिमेंबर, जब तुम्हें पास का नहीं दिखता तो तुम बोलते हो तुम फार साइटेड हो, जब तुम्हें दूर का नहीं दिखता तो तुम बोलते हो तुम नियर साइटेड हो। राइट, क्लियर ये पॉइंट? तो फार साइटेडनेस का डायग्राम नॉर्मल आई बॉल दोबारा बनाएंगे, सबके डायग्राम बने होने चाहिए। ये है हमारा लेंस, नॉर्मल डायग्राम, लाइट रेज आई डे आर पैरेलल। और पैरेलल नॉर्मल वाला बनाने की जरूरत नहीं है, तुम कोई बनाओ सीधा। हाइपरमेट्रोपिक आई कैसी होती है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया वो कैसे उसे दिख, क्यों साफ दिखाई नहीं दे रहा? इसके अंदर जो फोकल लेंथ है वो पीछे चली गई है, फोकल लेंथ कहाँ चली गई है? पीछे, माने फोकस पीछे होना चाहिए था, आगे मतलब फोकल लेंथ पीछे चली गई है। राइट, तो इसकी केस क्या हो सकता है, थिकनेस बढ़ गई है, थिकनेस कम हो गई है? तो बोले एक्सेसिव कर्वेचर या डिक्रीज इन कर्वेचर, डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस। और कॉज क्या होगा दूसरा, कॉज आई लेंस बड़ी हो गई होगी, छोटी हो गई होगी, श्रिंक हो गई होगी, तभी वो पर्दा पास आ गया, तभी क्लैरिटी नहीं आ रही। कॉज इसका फर्स्ट कॉज क्या है? श्रिंकिंग ऑफ आईबॉल, श्रिंकिंग ऑफ आईबॉल और डिक्रीज्ड कर्वेचर, डिक्रीज्ड कर्वेचर। अगर किसी लेंस का कर्वेचर ही कम हो जाए, कर्वेचर कम हो जाए माने वो पतला हो जाए, तो उसका फोकल लेंथ पास होगा या दूर? सोचो इस जिसका कर्वेचर ही नहीं है, इसका कर्वेचर है ज्यादा, इसका कम, इसका बिल्कुल कम। तो ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ कहाँ होता है? इन्फिनिटी। तो जिसका कर्वेचर कम हो जाएगा उसका फोकल लेंथ और दूर हो जाएगा, तो इस वजह से ये फोकल लेंथ दूर होने की वजह से तो हो रहा है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, फोकल लेंथ करेक्ट। ठीक है, तो अगर इसको करेक्ट करना है तो कैसे करें? करेक्शन इस केस में हमें कौन सा लेंस लेना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस। करेक्शन इज यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए डायग्राम बनाएंगे।
कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? अच्छा, ये पॉइंट इन्फिनिटी से थोड़ी आती है, ये तो नियर पॉइंट से आता है। हाँ, ये तो डायग्राम ही गलत है हमारा। तो ये दूर की चीज़ थोड़ी देखनी है, हमें कहाँ की चीज़ देखनी है? पास की चीज़ देखनी है ना। तो ये डायग्राम में गड़बड़ है। पास की पॉइंट यानी नियर पॉइंट, नियर साइटेड, ये डायग्राम ऐसा लग, ये हमारा 25 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट बोलेंगे इसे, है ना। तो हमें पास की चीज देखनी है, पास की चीज से जो लाइट रेज आ रही थी वो रेटिना पे फोकस नहीं हो पा रही क्योंकि पीछे जा रही है, ठीक है। और मायोपिया में हम इन्फिनिटी देखते हैं, तो यहाँ पे तो हमें पास की चीज नहीं दिख रही ना, दूर की तो दिख रही है। तो डायग्राम में चेंज समझ आया, गड़बड़ समझ आई? अच्छा, अब इस गड़बड़ को सही कैसे करें? तो होगा क्या, ये लाइट रेज जा रही है जो दूर जा रही थी, इन लाइट रेज को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा क्लोज कर दिया, और जब इसे क्लोज किया तो ये सही जगह पे फोकस हो गई। तो पॉइंट बीइंग दिस कि क्योंकि वो बहुत ही डाइवर्जिंग लाइट्स थी, क्योंकि वो इतना पास से आ रही थी और इतना डाइवर्जिंग थी कि हमने पहले उसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज करने से अब उसको हमारे लेंस का कन्वर्जिंग कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब दो लेंस हो गए हैं, एक लेंस ये वाला, एक लेंस ये वाला। तो पहले एक ही को कन्वर्ज करना था, वो कर नहीं पा रहा था। जब हमने दो लेंस को एक साथ लगा दिया तो उनकी पावर बढ़ जाती है, और पावर बढ़ने से कन्वर्जिंग वापस से सही पॉइंट पर हो गया। इसमें डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो। जैसे कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोफी और बायफोकल लेंस यूज करेगा, तो इसमें प्रोग्रेसिंग लेंस कि तुम क्या देख रहे हो। अच्छा, पास देख रहे हो, तो पास जैसे जैसे फोन का कैमरा होता है, जैसे फोन का कैमरा होता है पुरानी, उसमें मिस्टेक ये थी कि वो इन्फिनिटी से आ रही थी, हमें तो पास की चीज देखनी है, इन्फिनिटी वाली थोड़ी देखनी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, तो कॉजेज लिख के करेक्शन लिखा, ठीक है। अब कभी कभी कुछ लोगों को दोनों हो सकते हैं, और ओल्ड एज की वजह से हो सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया हो, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। तो लिखेंगे प्रेस बायोपिया की डेफिनेशन, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस विद एजिंग, the power of accommodation of eye lens decreases with aging this defect is called presbyopia। ठीक है, most of the people cannot see the nearby objects, most people cannot see nearby objects clearly, presbyopia में लिखेंगे। जो जो ओल्ड एज के साथ लोगों की सबसे पहले नियर विजन जाती है, राइट, और नियर विजन जाना कौन सा कॉज है, presbyopia, ठीक है। तो कॉजेज में लिखेंगे presbyopia में decrease in ability of ability of ciliary muscles to change the focal length, decrease in ability of सीलियर मसल टू चेंज दी फोकल लेंथ, इसे क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। मतलब क्या है, लोगों की देखो जो भी हमने पढ़ा था, लेंस को पकड़े हुए है और वो है हमारा सीलियरी मसल, और सीलियरी मसल्स चाहे तो लेंस के कर्वेचर को कम कर सकती है, चाहे वो बढ़ा सकते हैं, पर ओल्ड एज के साथ साथ ये सीलियरी मसल वीक हो जाती है,
इसीलिए मसल वीक होने की वजह से लेंथ अपना को जो लेंथ है अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा घटा नहीं पाता। यूजुअली वो पास की चीज़ को फोकस करने में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सीलियरी मसल इतना काम नहीं कर पा रही कि उसका फोकल लेंथ बदल पाए। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, ठीक है, एजिंग के साथ होता है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ पे अब अच्छी चीजें शुरू हो जाती हैं। पर कुछ इसके न्यूमेरिकल भी है, क्वेश्चन लिखो। अ पर्सन विद मायोपिक पावर ऑफ अकोमोडेशन सीलियरी लेंस की, अच्छा उसके बारे में लिखवाना रह गया, मैं लिखवा देता हूँ। हाँ इसको करेक्ट करने के लिए वही हाइपरमेट्रोपिया वाले लेंस लगेंगे, अगर पास का गया तो, अगर दूर का गया है तो मायोपिया वाले लेंस, कनकेव या कॉन्वेक्स, डिपेंड करता है एजिंग के साथ कौन सी मसल भी कैसे। बाइफोकल लेंस अगर दोनों हो तो ना, कुछ लोगों को सिर्फ पास की विजन जाती है, नहीं जरूरी नहीं है दोनों नहीं है, ठीक है। तो एज के साथ होने वाला होता है प्रेस बायो, और यूजुअली वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, कुछ को दोनों भी हो सकता है, तो दैट इज बाइफोकल लेंस तब यूज करते हैं। अच्छा एक न्यूमेरिकल कर लो इसका, फिर एक दो टॉपिक रह गए वो भी कर लेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल में लिखेंगे, अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर को वो ढंग से नहीं देख पाता, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज, पहली बात कॉनकेव लेंस यूज करना है, और कॉनकेव लेंस यूज करने के लिए कौन सी पावर का, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कर पाएंगे इस क्वेश्चन कैसे। की वैल्यू फाइंड करनी है और यू की एक वैल्यू 1/3 और एक वैल्यू 1/1.2 मीटर, इसके लिए यूजर 1/2 मीटर है, इसके बाद सर इसके अंदर पावर निकालनी है। देखो वो 1.2 मीटर तक देख सकता है, ये बोला है कहाँ तक देख सकता है, 1.2 मीटर से आगे नहीं देख सकता, 1.3 1.4 वो फोकस नहीं करता। तो हम क्या चाहेंगे, या क्या वो इन्फिनिटी वाली को फोकस कर सकता है या नहीं कर सकता, इन्फिनिटी को नहीं देख सकता क्लियरली। तो हमें ठीक करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, हमें इन्फिनिटी से आने वाली लाइट को फाइनली कहाँ तक लेके जाना है, 1.2 मीटर, क्योंकि 1.2 मीटर पे उसकी आय देख सकती है करेक्टली, राइट, समझ में आई बात। तो हम ये काम कैसे करेंगे, वी विल टेक यू एज इंफिनिटी एंड वी एज 1.2 मीटर। अगर ये इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज को उसने कहां पे फोकस कर लिया, उसने कहां पे फोकस कर लिया, 1.2 मीटर पे, तो अब उसकी आईज यहां से आने वाली लाइट को फोकस कर सकती है, इसकी लाइट आईज जो है दे कैन सी 1.2 मीटर पे ऑब्जेक्ट। तो हम इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे को कहां पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, इंफिनिटी पे। ये वाला बात समझ आया, यू कैसे निकाला, इंफिनिटी कैसे, बी कैसे निकाला। तो अब हम क्या लगाएंगे, 1/f फोकल लेंथ चाहिए, इज इक्वल टू लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, तो दैट इज 1/f इज इक्वल टू यू, हाँ वी, हाँ वी माइनस 1.2 होगा, ठीक है ठीक है। तो इस केस में -1.2 माइनस इंफिनिटी, ठीक है, 1/∞ इज 0, तो 1/f इज इक्वल टू, ये मीटर में है ना, इसको मीटर में ही रहना है, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया 10/12, और फिर आ गया उल्टा करें,
वन बाई इन्फिनिटी तो जीरो, ये तो हट गया, ठीक है। तो पावर यही आई, वन बाई इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर अगर इन्फाइनाइटली बढ़ाओ तो फ्रैक्शन इन्फाइनाइटली क्या हो जाएगी, छोटी। तो सबसे इन्फाइनाइटली छोटी वैल्यू कौन सी होती है, जीरो। तो जब भी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होता है तो फ्रैक्शन जीरो हो जाए, ठीक है। तो पावर इज वन बाई एफ, पावर तो यही आई, -10/12, दैट इज -5/6, दैट इज 1/6 कितना होता है। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा, डायोप्टर में आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ये मिटा दें। समझ आया क्वेश्चन? ऐसे कर लेंगे, एक और दूंगा अभी है। अच्छा, तो पहले एक टॉपिक देखो, पावर ऑफ अकोमोडेशन। टॉपिक मैंने लिखवाया था पर उसमें हमने वो डिलीटेड वाला काम कर लिया और जो था वो रह गया, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन में लिखेंगे, the ability of islands to change, to adjust its focal length, the ability of islands to adjust its focal length is called accommodation. Ability of islands to adjust its focal length is called power of accommodation. The ability of islands to adjust its focal length is called power of accommodation. तो मतलब क्या है? अगर हम बात करें इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे लेंस क्या कर लेता है, फोकस कर लेता है नॉर्मल। तो व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ आई लेंस? इन्फिनिटी। नॉर्मल आई कहां तक देख सकती है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। और सबसे पास जो पॉइंट होगा जिसको फोकस किया जा सकता है, दैट इज ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर। दिस इज द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ आइलेंस इज 25 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें याद रखोगे, आइलेंस का फार पॉइंट एंड व्हाट इज द नियर पॉइंट। जल्दी से ये याद रखें, आई लेंस का फार पॉइंट इज इंफिनिटी, दैट मींस द फार्देस्ट पॉइंट टिल विच इट कैन सी एंड फोकस इज इंफिनिटी। नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट टिल विच द आई लेंस कैन सी एंड फोकस इज नियर पॉइंट। क्लियर है ये पॉइंट? जल्दी से लिख लिए। सीलियरी मसल्स कर सकते, सीलियरी मसल्स, आई के ऊपर मसल थी ना सीलियरी मसल, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारा कैमरे का लेंस करता है, दूर की चीज पास की चीज दोनों कर लेता है, वैसे हमारा आई लेंस भी तो करता है। जब तुम इधर देख रहे हो, इधर पीछे देख रहे हो तो पीछे फोकस होता है, आगे ब्लर हो जाता है। तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर। हाँ बोलो, दिखता है धुंधला करके देख लो, पेंसिल एक बार 25 सेंटीमीटर से पास लाओ, वो दिखाई धुंधला देगा, ठीक है। तो वो फोकस नहीं कर पाएगा। क्लियर ये पॉइंट? पीछे का धुंधला हो रहा है तेरे को, प्रेस बाय ओपी हो रहा है तेरे को। अच्छा चल बड़े आगे। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने अच्छा, एक कैटरैक्ट की भी बात है, और कैटरैक्ट क्या है लिखें, लिखेंगे द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल इन ओल्ड एज बिकम मिल्की। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल इन ओल्ड एज बिकम मिल्की
क्रिस्टलाइन लेंस इन द पीपल ऑफ ओल्ड एज बिकम्स मिल्की ड्यू टू एक्सपोजर टू sunlight, UV light of the sun, due to exposure to UV light of the sun. तो अगर sun ज्यादातर धूप में रहे वैसे भी old age के साथ भी तो क्या होता है eye lens के ऊपर milkiness आ जाती है और वो ज्यादातर इससे होती है क्योंकि sunlight हमारी eyes पे muscles eyes के ऊपर react कर रही है तो उससे एक milky coating बना देती है तो इससे क्या होता है वाइटिश हो जाता है ओल्ड एज में और इसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं या मोतिया है ना तो दो तरह का मोतिया होता है एक सफ़ेद और एक ब्लैक वाइट एंड ब्लैक मोतिया मोतिया ठीक है मोती या अपल ठीक है तो वैसे कैटरैक्ट दो टाइप का होता है एक होता है वाइट और एक होता है ब्लैक कैटरैक्ट वाइट कैटरैक्ट तो नॉर्मल है ओल्ड एज में बहुत सबको ही हो जाता है ऑलमोस्ट फिर इससे लेंस आई लेंस वाइट हो जाता है तो उससे मिल्कीनेस हो जाती है नहीं तो ओल्ड एज में भी होता है तो ओल्ड एज के लोगों की आईज देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैटरैक्ट हो रहा है उनकी ठीक है तो वो मिल्कीनेस कभी कभी पार्शियल होता है तो फिर भी इतना अफेक्ट नहीं करता जब फुल हो जाता है तब वो इफेक्ट ज़्यादा करता है तो फिर उसे रिमूवल करा कर या तो आई लेंस बदलवाना पड़ता है तब जाके वो ठीक होता है दिखने में मिल्कीनेस आएगी ना वाइटिश आएगा ठीक है तो कैटरैक्ट जो है उसकी सर्जरी करी जाती है और सर्जरी से उसको रिमूव कर दिया जाता है या फिर आई लेंस को चेंज कर दिया जाता है ठीक है तो ये कैटरैक्ट मैं ये कहता हूँ एक होता है नॉर्मल वाइट कैटरैक्ट और ब्लैक कैटरैक्ट नहीं होता उसे ग्लॉकोमा बोलते हैं वो डायबिटीज की वजह से होता है तो वो वाला वो ऑपरेशन से ठीक नहीं होता ग्लॉकोमा ठीक है काला मोतिया बोलेंगे उसे ठीक है तो एनीवेज तो ये चीज़ याद रखें कि पावर ऑफ अकोमोडेशन और कैटरैक्ट क्या था ये वाली बात क्लियर है अच्छा सही समय पर अगर हाँ डायबिटीज़ का वो कर दिया जाए तो बच सकते हैं रिस्टोर किया जा सकता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन अब सारा इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर शुरू होता है स्टार्टिंग विद रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म लिखें रे डायग्राम बनाओगे ना टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म तूने होम डिलीवरी बोला तो मेरा मूड बदल गया मैंने सोचा होम डिलीवरी नहीं देंगे हम अब यहीं पे ही कराएंगे नहीं हाँ स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा